हाय एवरीवन, सो ये वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं नीट 2024 के लिए क्या रिसोर्सेस यूज करूँगी। ईच सब्जेक्ट वाइज मैं बोलूँगी कि मैं मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कहाँ से करूँगी, फिर थ्योरी या फिर लेक्चर जो भी मैं करूँगी वो मैं ये वीडियो में बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बायोलॉजी से। तो बायो में ना मैं क्या करूँगी, एनसीईआरटी ही पढ़ूंगी। मैं कोई लेक्चर नहीं देखने वाली हूँ, मैंने पिछले साल भी लेक्चर नहीं देखा था। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो मैं वो नहीं करने वाली हूँ। मैं पूरा पढ़ूंगी, और जो फ्रॉग एंड अर्थवर्म जो नहीं था उसके सिवा मैं सब कुछ पढ़ूंगी। मुझे उस तरफ नहीं देखना है कि क्या रिड्यूस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि आप नहीं बोल सकते कि एनटीए क्या करने उसके वाला है। बाद बात करते हैं प्रैक्टिस कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक बुक खरीदूँ, जो बुक मैं खरीदूँगी, अभी नहीं खरीदी है। तो वो मैं कौन सी बुक है वो, तो मैं वो आपके लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। एंड अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडब्ल्यू के डीपीपीस कर सकते हो। एंड मेरे पास ना एक बहुत अच्छी ऐप है जिसमें से आप बायो का हर एक लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते अगर हो। आप एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेमोनीट ऐप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना 30,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के हर एक लाइन से लिए गए हैं। और नीट 2023 में बायोलॉजी के 100 out of 100 क्वेश्चंस मेमोनीट ऐप से थे, 48 out of 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के मेमोनीट ऐप से थे, एंड फिजिक्स में भी 45 क्वेश्चन मेमोनीट ऐप से आए थे। एंड यहाँ पर ना बायो में जो शॉर्ट नोट है वो आपको मिल जाएंगे, फिर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जंबल वर्ड प्रैक्टिस कर सकते हो, मैचिंग टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट सुन सकते हो, फिर शॉर्ट नोट मिलेगा, फिर मीम भी मिलेगा आपको जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एंड केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नेम रिएक्शन है वो नेम रिएक्शन आपको एक जगह मिल जाएंगे, फिर फिजिकल केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज है जो फॉर्मूला सेक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, फिर फिजिक्स में ना आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस को करने को मिलेंगे, और फिजिक्स में पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा जिसको देख के आपका जो मतलब कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, एंड यहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हो, फिर PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो, 33+ ईयर्स के PYQ है, एंड आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो इस ऐप को हिंदी में भी यूज़ कर सकते हो। आप अगर मेरे कोड UNA300 यूज़ करते हो तो आपको ₹300 का ऑफ मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप चेक कर लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट बायोलॉजी। एंड अभी मैं बताने वाली हूँ कि फिजिक्स, फिजिक्स में मैं क्या करने वाली हूँ। फिजिक्स में तो लेक्चर मैं देख ही रही हूँ, तो लेक्चर एंड सर के क्लास में करवाए हुए जो जो भी क्वेश्चंस है वो करूँगी। देन डीपीपीस मैं करूँगी, पीडब्ल्यू के डीपीपी से करूँगी एंड PYQ करूँगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ फिजिक्स के लिए। एंड यही ना, मतलब जितने भी टाइम है नीट में रिपीट होता रहेगा। अगर मेरा DPPs कंप्लीट हो गया तो रिवीजन के लिए मैं फिर से DPPs करूंगी। अगर मेरा PYQ हो गया तो रिवीजन के लिए मैं फिर से वही PYQ करूंगी। एंड जो भी जो मैं क्वेश्चन मतलब जो भी एग्जाम दूंगी, मॉक टेस्ट, उसमें जो क्वेश्चन होगा वो मैं अलग से करूंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में रखना जरूरी है। तो यही साइकिल में चलता जाएगा। मैं कोई और रिसोर्सेस मतलब साल के बीच में जाकर ये बुक कर लेती हूँ, नहीं मैं ये वो नहीं करने वाली हूँ, मैं एक चीज़ ही रिपीट करती रहूंगी। तो यार ये वीडियो ना मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि 5-6 मिनट हो जाए। तो केमिस्ट्री बाकी रह गया है, तो केमिस्ट्री मैं क्या करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और पार्ट 1 हो गया ये, तो पार्ट 2 में वो आ जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय। एंड क्या सोचा है आप लोगों ने कि फिर से जिन लोगों का नहीं हुआ फिर से ड्रॉप लेना है कि नहीं, या फिर कौन सी स्ट्रीम मतलब ये स्ट्रीम छोड़ रहे हो या नहीं, तो वो मेरे साथ शेयर करना। मैं अभी थोड़ा मतलब बिजी नहीं हूँ, मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगी, ईमेल में हो जाए या फिर कमेंट में हो जाए। तो बाय, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय।